नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास की सीरीज में पहला पार्ट प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज के टॉपिक चल रहे हैं, उनके संबंधित जितने भी एमसीक्यूज है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो कराए जा रहे हैं। अलग अलग चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज हमारे माध्यम से हो रहे हैं, आप तक पहुंच रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के शासक के बारे में हमें महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करना है दोस्तों। ठीक है, तो मगध के साम्राज्य जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में उनकी जानकारी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो चलते हैं। सबसे पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी जो है ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी से भी जुड़िएगा, और जिन्होंने अभी यूट्यूब में सिलेक्शन मेंटर करके अभी क्या कहते हैं सर्च नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी से सर्च कर लीजिए। और ये हमारे जो है वीरा सर जी हैं जो हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी में जैसे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हमारा वीडियो होगा दोस्तों। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का, हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है उद्यन, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है महापद्मानंद। तो आपको बता दें कि चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो बिंबिसार हैं। क्या है दोस्तों? बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? बिंबिसार। अब देखिए, अगर हम बिंबिसार के बारे में जानकारी कुछ कर लेते हैं तो सबसे पहले है तो हम ये जो हर्यक वंश आप लोग देख रहे हैं इसे ही हम लोग पितहंता वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पितहंता वंश बोलते हैं। ठीक है, पितहंता वंश बोलते हैं। और ये कुल वंश जो चला था वो 544 बीसी से लगाकर 412 बीसी तक चला था। समझ गए ना दोस्तों? तो जानकारी में जैसे सबसे पहले संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के, तो वो थे आपके बिंबिसार। एक तो ये पॉइंट आपका बनता है। दूसरी बात, दूसरा बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना की, राजगृह की स्थापना की और मगध का पहला शासक था दोस्तों। मगध का पहला शासक था कौन? बिंबिसार। समझ गए? इन्होंने तीन शादियां की थी दोस्तों। ठीक है, मैरिज की थी। एक तो सबसे पहले चेलना के साथ, दूसरा महाकौशला के साथ और तीसरा जो था वो थी छेमा के साथ में। ये गौतम बुद्ध की शिष्या भी थी साथ में। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है बिंबिसार, और बिंबिसार का एक महत्वपूर्ण काम था दोस्तों अंग को मगध में मिलाना। ठीक है ना, समझ रहे ना? मिलाना, ये भी जो है बिंबिसार का महत्वपूर्ण कार्य रहा दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बिंबिसार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो करा दिए, और कभी कभी इनका उपनाम पूछा जाता है तो इनका उपनाम था दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इनका उपनाम सैनिक था। क्या था? सैनिक था दोस्तों। और इन्हें जैन ग्रंथों में हमें मिलता है इनका नाम, जैन ग्रंथों में इनका हमें ये उपनाम मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बता दें, पहला ऑप्शन है नागदशक, दूसरा ऑप्शन है उग्रसेन, तीसरा ऑप्शन घनानंद, चौथा ऑप्शन नंदीवर्धन। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। तो इसमें सही होगा सी नंबर, घनानंद। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। ठीक है, इन्हीं के समय
सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। और इन्होंने ही अपने साम्राज्य में सबसे ज्यादा साम्राज्य में कर व्यवस्था लागू की थी, कर व्यवस्था लागू की थी, मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने अपने साम्राज्य से टैक्स लिया। टैक्स के कारण जनता इनका विरोध कर रही थी, जनता इनका विरोध कर रही थी, ठीक है, विरोध कर रही थी, इसलिए इन्हें जो है धन इकट्ठा करने वाला शासक बोला जाता है। धन मगध साम्राज्य में धन इकट्ठा करने वाला शासक कहा जाता है, करने वाला शासक कहा जाता है दोस्तों, करने वाला शासक कहा जाता है किसे? घनानंद को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की थी, घनानंद की हत्या की थी दोस्तों, चाणक्य की नीति के कारण, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो है सेकंड नंबर कंप्लीट होता है दोस्तों, और हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पहला ऑप्शन कालासो, दूसरा ऑप्शन बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन उदयभद्र और चौथा ऑप्शन है नंदीवर्धन। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उदयभद्र। देखिए जो उदयभद्र था, उदयभद्र जो है तीसरा शासक नहीं चौथा शासक हर्यक वंश, सॉरी हर्यक वंश का चौथा शासक था दोस्तों, चौथा शासक था, ठीक है, चौथा शासक था कौन? उदयभद्र। इसी का नाम था उद्यन, इसका उपनाम है ये, इसका नाम उद्यन कहा जाता है। और इसी ने सोन नदी और गंगा नदी के तट पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, समझ गए। और इसी का नाम था कुसुमपुर नगर की स्थापना या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन या उदयभद्र ने ही की थी। और इसने ही अपने पिता की हत्या की, इसने अपने अपने पिता अपने पिता अपने पिता मतलब अजात शत्रु की हत्या की थी, अजात शत्रु की हत्या की थी, कि हत्या की थी दोस्तों, हत्या की थी, समझ गया ना। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और हम लोग चलते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मगध साम्राज्य में निम्न शासकों का सही क्रम क्या? तो पहला ऑप्शन है उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, अजातशत्रु। दूसरा ऑप्शन में अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और घनानंद। तीसरे ऑप्शन में बिंबसार, कालाशोक, अजातशत्रु और घनानंद। चौथे ऑप्शन में बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। तो आप हम बताने जा रहे हैं आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें डी सही होगा दोस्तों, डी। पहला दोस्तों बिंबसार जो हर्यक वंश से संबंधित था, और इसी का पुत्र था अजातशत्रु, और इसी का पुत्र था उदयन, और उदयन के बाद जो कालाशोक है वो नाग सॉरी शिशुनाग वंश का शासक है कालाशोक, शिशुनाग वंश का जो है शासक है कालाशोक, तो उदयन के बाद आएंगे। तो इस प्रकार जो मगध साम्राज्य की जो शासक का क्रम है तो इस प्रकार होगा, पहला बिंबसार, फिर अजातशत्रु, और फिर उदयन, और फिर कालाशोक। इसी का नाम जो है क्या कहते हैं, कालाशोक का नाम काकवण था, ठीक है, समझ गए होंगे, कालाशोक का नाम काकवण था। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, पहला विदेशी कौन था? तो जिनमें चार ऑप्शन है आपके पास, और चार ऑप्शन में देखिए सबसे पहले मेगास्थनी, दूसरा अग्रमीज, तीसरा सिकंदर, चौथा साइरस। ये चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें चार ऑप्शन में जो सही होगा दोस्तों, सही होगा वो होगा बी नंबर।
कौन होगा? बी नंबर अग्रमीज। क्या सही होगा दोस्तों? अग्रमीज सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, सॉरी, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा, साइरस। भारत में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन होगा? साइरस होगा, ठीक है, साइरस होगा दोस्तों, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस होगा, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज क्यों नहीं होगा, ये भारत में आने वाला पहला राजदूत था, भारत में आने वाला पहला विदेशी राजदूत था, पहला विदेशी आक्रमणकारी नहीं था, पहला विदेशी राजदूत था, इसलिए मेगास्थनीज नहीं लगाएंगे हम लोग। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, निकेटर का राजदूत था, समझ गए ना आप लोग, राजदूत था, क्लियर हो गया ना। अग्रमीज यूनानियों ने घनानंद को अग्रमीज बोला था, क्योंकि सबसे ज्यादा इसने अपने साम्राज्य में धन इकट्ठा किया, लोगों पर टैक्स लगाया, टैक्स के वजह से इसे धन इकट्ठा करने वाला शासक कहा जाता था। सिकंदर भारत में आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन था, याद कर लीजिए, पहला यूरोपियन था दोस्तों, कौन? सिकंदर। तो इस प्रकार हमारा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपके पास सिंध, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है बेबीलोन, चौथा है कंधार। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बेबीलोन में जाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। सिकंदर भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य को छोड़ करके लौट गया, और लौटने का सबसे बड़े कारण क्या थी? एक तो उनके दोस्त यार जो भी थे उनके साथ में जो सेना थी वो घर जाना चाहती थी, इस प्रकार से सारे लोग सिकंदर सहित वापस लौटते समय सिकंदर की बीच में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में होती है, ये याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। चलते हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन पर, और सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? दोस्तों पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंबिसार, तीसरा शिशुनाग और चौथा महापद्मानंद। तो ये चार ऑप्शन है, और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। तो अजातशत्रु, दूसरा बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मानंद। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा शिशुनाग। क्या होगा? शिशुनाग ने बहुत बड़ा काम किया था अपने साम्राज्य में, कि इन्होंने अवंती शक्तिशाली महाजनपद था, और जितने भी महाजनपद में शासक हुए सारे लोगों ने अवंती को मगध में मिलाने की कोशिश में लगे थे, मगर इसकी सफलता जिन्हें मिली उनका नाम था शिशुनाग, ठीक है, उनका क्या नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग ने ही क्या किया था कि अवंती को मगध का हिस्सा बनाया था दोस्तों, और ये क्या थे? शिशुनाग वंश के प्रथम शासक थे दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग, शासक थे, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा सेवन नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं एट नंबर क्वेश्चन की तरफ। और एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगध में किस शासक के समय सिकंदर का आक्रमण, अभी आपको बता चुके हैं सिकंदर का आक्रमण हुआ किसके समय हुआ, मगध में कौन सा शासक था उस समय। तो पहला ऑप्शन आपके पास बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन आपके पास घनानंद,
तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है महापद्मानंद। ये चार ऑप्शन है और ये चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा घनानंद। घनानंद ये नंद वंश का अंतिम शासक था, इसी के समय नंद वंश का अंतिम शासक था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई पेपर में, नंद वंश का अंतिम शासक था कौन, घनानंद। इसी की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शासक पीतहंता वंश से संबंधित नहीं था, पीतहंता वंश से संबंधित नहीं था। पहला बिंबिसार, दूसरा कालाशोक, तीसरा अजातशत्रु, चौथा उदयन। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन पीतहंता वंश से संबंधित नहीं था दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का शासक था। किसका था, शिशुनाग वंश का शासक था, इसी वजह से कालाशोक पीतहंता वंश से संबंधित नहीं होगा। पीतहंता वंश में बिंबिसार आएंगे, अजातशत्रु है जो हत्या करके, अजातशत्रु बैठे, अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी में बैठा। तो इस प्रकार पीतहंता वंश में तीन शासक हैं, और ये जो बी नंबर ऑप्शन कालाशोक देख रहे हैं आप लोग, ये कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित, इसलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्यक वंश का वो शासक जिसने अंग को मगध में मिलाया था, जिसने अंग को मगध में मिलाया था दोस्तों, मगध में मिलाया था अंग को। तो पहला ऑप्शन आपके पास अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन आपके पास कालाशोक, तीसरा ऑप्शन आपके पास बिंबिसार, चौथा ऑप्शन आपके पास उदयभद्र। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से बताइए, तो इसमें सही होगा बी नंबर। आपको बता चुके थे अभी पिछले क्वेश्चन पर कि बिंबिसार ने ही पहला इसका महत्वपूर्ण कदम था, अंग को मगध में मिलाना, मगध में मिलाना। तो इस प्रकार हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिच्छवी गणराज, लिच्छवी गणराज से किस वंश का वैवाहिक संबंध था। पहला हर्यक वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश। तो ये तीन, सॉरी ये चार ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा दोस्तों ए नंबर, हर्यक वंश। हर्यक वंश के दो शासक थे, सॉरी हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो बिंबिसार, बिंबिसार, और बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था, प्रथम शासक था, समझ रहे हैं ना आप लोग। और इसके बाद अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु आता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिंबिसार के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इनका संबंध जो था वो लिच्छवी गणराज्य से था, लिच्छवी गणराज्य, तो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे जिनका नाम था चेटक, जिनका नाम था चेटक, जिनका नाम था चेटक, और चेटक की बहन और पुत्री थी। तो बहन का नाम था चेलना, क्या था, चेलना, और पुत्री का नाम था, पुत्री का नाम था त्रिशला, और त्रिशला की शादी हुई थी किसके साथ, किसके साथ हुई थी, महावीर के पिता के साथ, महावीर, महावीर के पिता के साथ दोस्तों, महावीर के पिता के साथ, ठीक है ना। तो अब तो इनका संबंध होगा ही होगा, तो ये तो एक बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म से संबंधित बिंबिसार हो गए, ठीक है, इनका वैवाहिक संबंध था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रकार पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हर्यक वंश से ही लिच्छवी गणराज का संपर्क था वैवाहिक के रूप में, ठीक है। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध के, मगध के किस शासक को काशी दहेज में मिला था, काशी, देखिए दो लोगों को काशी दहेज में मिला, पहला बिंबिसार कालाशोक, दूसरा बिंबिसार उदयन, तीसरा अजातशत्रु और कालाशोक, चौथा बिंबिसार और अजातशत्रु। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों,
कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये चार ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो सही होगा दोस्तों वो होगा आपका जाके डी नंबर, बिंबसार और आजाद शत्रु, दो ही लोगों की शादी जो है होने पर काशी दहेज मिला था, पहले बिंबसार को मिला दूसरा आजाद शत्रु को मिला, ये इसी का क्या था पुत्र था, ठीक है। और कोसल, कोसल एक महाजनपद था, महाजनपद था, और कोसल महाजनपद में जो है कहां के जो राजा थे उनका नाम था प्रसन्नचित, क्या नाम था प्रसन्नचित नाम था, ठीक है। और प्रसन्नचित ने अपनी बहन और पुत्री, तो बहन का जो नाम था, बहन का नाम था महाकौशला, क्या नाम था महाकौशला, महाकौशला, और जो इनकी पुत्री का नाम था वो नाम था वजीरा, क्या नाम था वजीरा। वजीरा की शादी हुई, वजीरा की जो शादी हुई वो आजाद शत्रु के साथ में हुई, आजाद शत्रु के साथ में, ठीक है। और जो महाकौशला की जो शादी हुई वो बिंबिसार के साथ हुई, किसके साथ हुई बिंबिसार के, बिंबिसार के साथ में हुई, बिंबिसार के साथ में हुई, ठीक है, समझ गए होंगे। बिंबिसार के साथ में हुई बहन की शादी और पुत्री की वजीरा के साथ में शादी हुई, क्योंकि अजाशत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के उपरांत कौशल नरेश प्रसन्नचित से इनके आपसी संबंध बिगड़ गए थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच युद्ध चलते रहे और युद्ध की समाप्ति होने का सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इस प्रकार जो काशी बिंबिसार को मिला था और विरोध होने पर काशी को वापस प्रसन्नचित ले लिया था और वही काशी दोबारा वजीरा के साथ शादी करने के उपरांत आजाद शत्रु को प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज की सीरीज ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट होता है। और किसी प्रकार से कोई डाउट्स आपको होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग पूरी तरीके से, मतलब जितने भी आने वाले जो हमारी आलमी एग्जाम है उनकी तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे, ठीक है। और एमसीक्यू क्विज करते रहेंगे, एमसीक्यू क्विज के माध्यम से आपको बहुत ही इसमें फायदा होगा, इसलिए क्योंकि जो आपके डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे हमारे एमसीक्यू क्विज के माध्यम से, ठीक है ना दोस्तों। तो जिन्होंने अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर करते रहिए अपने दोस्त यारों के साथ में, और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग यहीं पर स्टॉप लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।